लातूर की सियासी जमीन पर हो रही सबसे बड़ी लड़ाई के हम गवाह बन रहे हैं। आप भी जरूर हमारे साथ देखिए। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, 7 बार के सांसद, गृह मंत्री रह चुके इस देश के, शिवराज पाटिल की बहू, ये पहचान आपकी हो गई है। लेकिन अर्चना पाटिल जी, आप चुनावी मैदान में, डॉक्टर अर्चना पाटिल, आप चुनावी मैदान में उतरी हैं लातूर में। कुछ दिन पहले के मैं वीडियो से शुरुआत करना चाहती हूँ, जब देवेंद्र फडणवीस, आप बीजेपी में शामिल हुई और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने शिवराज पाटिल जी की लेगेसी से आपको जोड़ा, उस विरासत से, और कहा उस विरासत के साथ ही आगे बढ़ रही है, ये जीत हासिल करेंगी। आप कितनी आश्वस्त हैं? 3 बार के विधायक अमित देशमुख, विलासराव जी के बेटे, आपके सामने हैं। मैं शिवराज पाटिल के लेगेसी से बड़ी आश्वस्त हूँ और पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है, उनका जो प्यार मिल रहा है, उससे भी मैं बहुत आश्वस्त हूँ। बट दैट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। बट बहुत ही अच्छा चल रहा है कैंपेन जो चल रहा है, और लोगों में बहुत रिस्पॉन्स अच्छा है, उत्साह है, और एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, आपने भी देखा होगा। तो डॉक्टर पाटिल, मुझे ये बताइए कि बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या इस आरोप में दम है? लातूर में तो जितना मेरा कैंपेन चल रहा है, जितना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन बातों का कुछ खास असर नहीं है। बाकी मैं अभी इस वक्त मैं अपना अपने कैंपेन पे कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, तो मुझे लग रहा है यहाँ तो वो विषय नहीं है। तो क्या बोलती हैं जब आप उन लोगों के बीच में जाती हैं? इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा होता है, और लोगों में बड़ी, लोग बड़े आहत है कि जो मिस्टर देशमुख थे तो वो, उनका एक्सेस नहीं था लोगों को, और लोगों में परेशानी है कि हमारे, हम जब परेशान थे, कोविड हो या वाटर क्राइसिस हो, तो उस समय हमारे जो प्रतिनिधि थे वो हमसे मिले नहीं, तो उस बात से बड़ी हताशा है लोगों के मन। इसमें इसका लोकल कनेक्ट आपको मिल रहा है कि वो दोनों यहाँ रहते, मतलब अमित देशमुख ज्यादा रहते कम थे? जी जी, उनका कम रहना, उनका अवेलेबिलिटी ना होना, ये बहुत बड़ा मुद्दा उनके अगेंस्ट हो रहा है, और लोगों में एक्सपेक्टेशन है कि जो एक निवासी आमदार उनके साथ हो, प्रवासी आमदार ना हो, तो ये एक्सपेक्टेशन बड़ी जोर शोर से मिल रही है। एक जवाब मैं इस पे चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने अमित देशमुख और उनके भाई धीरज देशमुख से पूछा कि आप लोग तो एकदम फैमिली पॉलिटिक्स की पूरी पिक्चर है दोनों बैठे हुए, तो सवाल ये आता है कि उधर से कि दूसरी बीजेपी भी फैमिली वालों को टिकट दे रही है, उसमें आपका नाम लेते हैं, इसका क्या जवाब है? नहीं, मेरा टिकट तो कोई फैमिली की वजह से मिला है ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने विनेबिलिटी देखी है, और मेरा काफी, मैं भी अपने मशक्कत से गई हूँ, टिकट इतने आसानी से नहीं मिली है मुझे। अच्छा, तो मुश्किल हुई आपको? मुश्किल नहीं हुई, बट आसान भी तो नहीं था। शिवराज जी का क्या स्टेटस है, समझ नहीं आ रहा, मतलब आप बीजेपी? बड़ा सिंपल स्टेटस है, उन्होंने 2010 में ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर, तो उसके पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रेजिग्नेशन दिया था, और अपनी गवर्नरशिप के स्टेंट खत्म करके वो अपना रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। तो उसमें कोई पार्टी से भी एसोसिएटेड नहीं? नहीं, अपनी पूरी रिटायरमेंट ले चुके हैं वो 2015 के बाद में, आज तक कोई कांग्रेस पार्टी का कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया नहीं है। अब आप बीजेपी में? जी। इधर महायुति है, इधर महाविकास अगाड़ी है, महायुति में 3 चेहरे हैं जी। अब समझ नहीं आ रहा कि सीएम, क्या हम माने कि शिंदे साहब ही बनेंगे, या बीजेपी के लोग चाहते हैं कि फडणवीस साहब बने, और अजीत पवार अलग अपने सुर में? नहीं, मुझे लगता है कि वो तो सारा मसला पहले जीत के आए, पहला चैलेंज ये है कि अपनी क्लियर मैंडेट मिले, और उसके बाद में एक फॉर्मूला तय होगा। मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है, मैं बहुत जूनियर हूँ इस पूरे गेम में, बट जो भी पर्सन होगा, वो तीनों ही लोगों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो जो भी बने उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आप तक पहुंचता है कि आपकी सीट तक पहुंचता है? जब अजीत पवार कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये मेरा नारा नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट आप तक पहुंचता है? नहीं, लातूर में जो मैं अपना कैंपेन हो रहा है मेरा, तो मैं, हमारे साथ महायुति के तीनों पार्टनर मेरे हर पद यात्रा में, हर कॉर्नर मीटिंग में, हर जाहिर सभा में, हर जगह हम तीनों मिलके कर रहे, तो अभी तक तो वो मोमेंट मेरे कैंपेन में मैंने फेस नहीं किया। लोग ये मानते कि आपके लिए नेचुरल चॉइस कांग्रेस होती, कांग्रेस क्यों नहीं गई? आपने तो परिवार में रहते हुए बहुत करीब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखा है, अपने ससुर जी को उनके साथ काम करते देखा है, तो वो नेचुरल चॉइस ना होकर बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि मुझे, पहली बात, मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, और जो नारी शक्ति वंदन बिल आया था, तो तब से मुझे लग रहा था कि यहाँ पे
विमेन सेंट्रिक प्रोग्रेस दिख रही थी मुझे, और इसलिए मैंने सोचा कि, और यहाँ दोनों जो एमएलएज है तो वो कांग्रेस पार्टी के एक परिवार से आ चुके हैं, तो मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, और उससे भी ज्यादा ये था कि एक नई दिशा मिल रही थी, फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रेस इस पार्टी के साथ लग रहा था, तो मैंने ये चॉइस की। बीजेपी की ये मेरा अपना व्यक्तिगत चॉइस है, इसमें मेरे फादर इन लॉ का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल, इट्स माई पर्सनल डिसीजन एंड आई ओन इट।